हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। देखिए, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, काफ़ी वीवीआई टॉपिक है। इस जो कॉस्ट अकाउंटिंग का चैप्टर है, टॉपिक करने में एलिमेंट ऑफ कॉस्ट जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो जिनका सिलेबस में कॉस्ट अकाउंटिंग है। तो देखेंगे तो हम बेसिक से हम लोग आज आए हैं और वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, मतलब कि कॉस्ट का कौन कौन सा एलिमेंट है, इसको कितने एंड देयर क्लासिफिकेशन, इसके कितने पार्टों में क्लासिफिकेशन किया गया है, इसका कितने टाइप है, उस पर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, वन बाय वन करके हम लोग अब डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, होता है एलिमेंट ऑफ कॉस्ट में मेटेरियल, दूसरा होंगे लेबर, और तीसरा होंगे मेटेरियल लेबर और अदर एक्सपेंसेस। ठीक है, क्या समझे? एक मटेरियल मतलब कि जब कोई प्रोडक्ट बनती है उसमें तीन टाइप की कॉस्ट इनकर्ड होती है। मतलब जब भी हम लोग कोई प्रोडक्ट को प्रोडक्शन करेंगे तो उसमें तीन टाइप की ही कॉस्ट होती है, एक मटेरियल, लेबर, अदर एक्सपेंसेस। ठीक है, ओवरहेड इसी के अकॉर्डिंग आती है। तो मैं बता रहा हूँ कि जब भी हम कोई प्रोडक्ट बनाएंगे, फॉर एग्जांपल अगर हम मोबाइल को मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, एक मोबाइल बनाना चाहेंगे, तो उसमें क्या लगेगा? एक मटेरियल, दूसरी लेबर और तीसरा अदर एक्सपेंस है। अब आते हैं आगे, फिर इसको फर्दर क्लासिफाई करते हैं। देखिए, मटेरियल में भी दो प्रकार के होंगे, एकदम आराम से हम लोग समझेंगे, किसी प्रकार के जल्दीबाजी नहीं हम लोग की करनी है। मटेरियल में भी होती है एक डायरेक्ट मटेरियल, दूसरा होता है इनडायरेक्ट मटेरियल। ठीक है, लेबर भी दो प्रकार के होंगे, लेबर में भी वही होगा डायरेक्ट लेबर, दूसरा होगा इनडायरेक्ट लेबर। अदर एक्सपेंस में भी सेम होगा, अदर जो एक्सपेंस होंगे उनमें भी सेम होगा, एक होगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एक होगी इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, तो आप समझिए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मतलब समझिए, ताकि सभी में आपको समझ में आ जाएगा। एक क्या है? मटेरियल है, मटेरियल को दो भागों में बांटे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मटेरियल। लेबर को भी दो भागों में बांटे, एक डायरेक्ट लेबर और दूसरा एक्सपेंस को भी हम लोग टू पार्ट में बांटे, डायरेक्ट एक्सपेंस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो देखिए, कौन सा होगा डायरेक्ट? देखिए, डायरेक्ट एक्सपेंस वैसी एक्सपेंस को बोला जाता है जब कोई प्रोडक्ट बनती है उस पर हम लोग कन्विडेंटली आइडेंटिफाई कर सकते हैं उस प्रोडक्ट पे। मतलब वैसा मटेरियल कि जब कोई प्रोडक्ट बनती है उसको हम लोग डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कि जैसे उसको देखने और सोचने से ही पता चलता है कि उस पर एक्सपेंस हुआ होगा। सपोज दैट अगर मैं फर्नीचर का एग्जांपल लेता हूँ, अगर कोई फर्नीचर का मैं टेबल एक बनाता हूँ तो उसमें मैं बोल सकता हूँ डायरेक्ट मटेरियल लगा होगा, जैसे वुड मतलब लकड़ी लगा होगा। ठीक है, उसको मैं बोल सकता हूँ मटेरियल, मतलब कि उस मटेरियल को इंक्रीज और डिक्रीज करने से नंबर ऑफ प्रोडक्ट बढ़ेगा। जैसे अगर मैं कहता हूँ, अगर वन बाय वन स्क्वायर फीट का मैं एक टेबल बनवाता हूँ, ठीक है ना, तो उसमें लकड़ी भी लगेगा वन बाय वन। यदि मेरे पास 10x10 का लकड़ी होगा तो क्या होगा? वो नंबर ऑफ टेबल का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। ठीक है, वो हो गया आपको मटेरियल, जिसको मैं कह सकता हूँ डायरेक्ट मटेरियल। लेबर, ठीक है, लेबर इन द सेम वे, जब कोई प्रोडक्ट का हम लोग प्रोडक्शन करते हैं तो उस पर लेबर लगती है,
लेबर को क्या दिया जाता है, वेजेज पेमेंट की जाती है, मतलब कि एक लेबर को एक रेमुनरेशन हुआ कि उस वर्कर को पेमेंट की जाती है जो उस प्रोडक्ट को प्रोडक्शन करती है, मतलब बनाती है, ठीक ना, बनाने का जो एक्सपेंस होती है, तो जो हम लोग पेमेंट करते हैं रेमुनरेशन, उसे हम लोग लेबर कॉस्ट बोल देंगे, ठीक है। अब बाद में मैं बताऊँगा डायरेक्ट लेबर क्या है, डायरेक्ट। अदर एक्सपेंसेज में भी वही बात है कि जब हम लोग कोई प्रोडक्ट को प्रोडक्शन करेंगे तो उसमें कुछ अदर एक्सपेंसेज होगा, ठीक है। अदर एक्सपेंसेज मतलब मैं कह सकता हूँ कि जैसे जब मटेरियल में परचेज करने जाऊँगा तो उस पर कुछ ऑक्ट्राई लगेगा, कस्टम ड्यूटीज लगेगा, ठीक है। उसके बाद कैरेज एक्सपेंस लगेगा, मतलब कैरेज इनवार्ड लगेगा, ठीक ना। तो ये सब अदर एक्सपेंसेज में गिनती होते हैं। उसमें कुछ रिपेयर्स लगेगा, स्पेयर्स पार्ट लगेगा, ठीक ना, ये सब अदर एक्सपेंसेज में काउंटिंग होगी। तो आप देखिए फर्दर फिर मटेरियल, लेबर, अदर एक्सपेंसेज को हम लोग फिर टू पार्ट में बांटते हैं। एक होती है डायरेक्ट मटेरियल, एक होती है इनडायरेक्ट मटेरियल। जैसे मैं बता रहा हूँ कि जब मैं एक फर्नीचर बनवाऊँगा, एक लकड़ी का फर्नीचर, ठीक ना, तो उसमें क्या होगा, एक डायरेक्ट मटेरियल लग गया, एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मटेरियल का मतलब क्या होगा कि जिसको डायरेक्टली मैं उस प्रोडक्ट पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे उसमें लकड़ी लगा होगा, श्योर है कि लकड़ी लगा होगा तभी वो टेबल बना होगा, उसको मैं बोल सकता हूँ डायरेक्ट मटेरियल। इनडायरेक्ट मटेरियल का मतलब कि जब वो लकड़ी का काम हुआ होगा, जब वो फर्नीचर बना होगा, ठीक है, तो जब हम लोग फर्नीचर बनाए होंगे तो उसमें और कुछ मटेरियल लगा होगा, लेकिन उस मटेरियल को इंक्रीज करने से हम लोगों को नंबर ऑफ़ प्रोडक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब प्रोडक्ट नंबर ऑफ ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं हो सकती, मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो सकती अगर ज़्यादा भी लगा। जैसे उस टेबल में लगा होगा हम लोग को कील लगा होगा, अगर सनबाइका लगाए होंगे तो सनबाइका लगा होगा उस पे, और आपको लगा होगा क्या चीज़ कह सकते हैं, उसमें फेविकॉल लगा होगा, उसको चिपकाने के लिए लगा होगा, ठीक ना। तो ये हो गया आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक ना, आपको शायद पता चला होगा। इनडायरेक्ट मटेरियल मैं इसमें इनडायरेक्ट मटेरियल जैसे स्टोर हो गया मटेरियल सच एज लुब्रिकेंट्स, कॉटन, वेस्टेज, ब्रिक्स एंड सीमेंट यूज करता है यूज फॉर रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी और बिल्डिंग, ठीक ना। लेबर में भी सेम बात है, डायरेक्ट लेबर होती है। डायरेक्ट लेबर मतलब कि वैसा लेबर का एक्सपेंस जो डायरेक्टली उस प्रोडक्ट पे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और इनडायरेक्ट लेबर का मतलब उस प्रोडक्ट पे हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, उसको एलोकेशन करनी पड़ती है। जैसे लेबर मान कर चलिए ऑफिस का स्टाफ को लगा होगा, सैलरी देना पड़ा होगा, ठीक है। उसके बाद जो मार्केटिंग का काम करता होगा उसको देना पड़ता होगा, उस प्रोडक्ट को एडवर्टीजमेंट करने के लिए एक्सपेंसेस करनी पड़ती होगी, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में गिनती हो जाएगी, ठीक है, इनडायरेक्ट लेबर हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, लेबर जो इनडायरेक्ट लेबर होती है उसका मतलब समझ गया, डायरेक्ट लेबर का मतलब समझ गया, मतलब उसको एलोकेशन करने की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब कोई एक प्रोडक्ट पे हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं वैसा हम लोग बोले। या यू कहे तो लेबर कुछ ऐसा वर्कर होता है जो स्टोर कीपर होता है, स्टोर कीपर का जब हम लोग वेजेस पेमेंट करते हैं, चूँकि सारा मटेरियल को हैंडलिंग करके रखती है, तो स्टोर कीपर को जब हम लोग वेजेस देंगे वो भी इनडायरेक्ट लेबर के अकॉर्डिंग आएंगे, चूँकि वहाँ पे एक ही प्रकार का मटेरियल को मेंटेन करने के लिए वो नहीं बैठा होता है, वो सारा मटेरियल को मेंटेन करने के लिए स्टोर कीपर बैठा होता है। तो हम लोगों को क्या करना पड़ता है, ईच एंड एवरी प्रोडक्ट पे एलोकेट करनी पड़ती है, ठीक ना। कोई सर्विस डिपार्टमेंट है में है कोई लेबर वगैरह। अदर एक्सपेंसेस में होती है डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब डायरेक्टली उस पर एलोकेट कर सकते हैं, ठीक ना, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस जिसको डायरेक्टली एलोकेट नहीं कर सकते हैं। जैसे हम लोग कह सकते हैं इनडायरेक्ट का मतलब ये हुआ, जैसे कोई फैक्ट्री का एक्सपेंस, फैक्ट्री का रेंट हो गया, कोई एक प्रोडक्ट पे हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा। वर्क्स ओवरहेड होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड होगा, क्योंकि सेल करने की सारा प्रोडक्ट पे एक्सपेंसेस हुई होगी, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड हो गया, ये सारा आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अकॉर्डिंग आएंगे। फैक्ट्री का रेंट हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया प्लांट का, मशीनरी का डेप्रिसिएशन हो गया, उस बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन हो गया, ये सब क्या होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अकॉर्डिंग आएंगे, ठीक ना। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। इनडायरेक्ट लेबर में जैसे लेबर वर्कर इंगेज्ड इन स्टोर कीपर में जो वर्कर है, इंटरनल या ट्रांसपोर्ट में जो जुड़ा हुआ है, ठीक ना, या लेबर टाइम कीपर्स जो है वो लेबर का इनडायरेक्ट लेबर में गिनती होती है, या कोई लेबर को जब हम लोग वॉचमैन जो होता है उसको जब पेमेंट करेंगे इनडायरेक्ट लेबर होती है। तो इन सारा को देखिए ओवरहेड बोला गया है, जितने भी इनडायरेक्ट है उस सभी को ओवरहेड बोला गया है, मतलब मैं कह सकता हूँ ओवरहेड।
जितना भी इनडायरेक्ट है, जैसे मैं कह सकता हूँ इनडायरेक्ट ये हो गया, ठीक है, इनडायरेक्ट लेबर हो गया आपको, ठीक है, और इनडायरेक्ट ये हो गया, इन सभी को हम लोग बोल सकते हैं ओवरहेड बोल सकते हैं। ओवरहेड भी कई टाइप का होंगे, जैसे डायरेक्ट ओवरहेड, जैसे मैं बोल सकता हूँ वर्क्स ओवरहेड, वर्क्स